हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन दम बिरयानी। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप इसके किसी भी पार्ट को भूल ना जाएं। तो चलिए हम लोग बनाना अब स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 kg मटन लिया है यहाँ पर। मसालों पर मैंने ले रखा है 1 tablespoon हल्दी पाउडर, 1 tablespoon जीरा पाउडर, 1.5 tablespoon गोलकी पाउडर, 1 tablespoon धनिया पाउडर, 1 tablespoon कश्मीरी मिर्च एंड 1 tablespoon मटन का मसाला। तो आइए हम लोग अब इसे मिक्स करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 tablespoon ग्रीन चिली को दरदरा पीस करके डाला है। साथ ही मैं इसमें अब ऐड करूँगी 1 tablespoon जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड 1 tablespoon सरसों ऑयल। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 hours के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अभी इस पे मैं दही ऐड नहीं कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद इसमें ऐड करेंगे हम दही। तो ये मिक्स हो गया है, 2 hours के लिए रेस्ट होने देते हैं। 1 hour हो चुका है। अब इस पर ऐड करेंगे हम 1/2 नींबू। नींबू डालने से टेस्ट में और भी इन्हेंस होता है। साथ ही इसमें डालेंगे अब 200 ग्राम दही। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 बड़े साइज के फ्राइड किए हुए अनियंस को। आप चाहे तो अनियन को ग्राइंड भी कर सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इंडक्शन पे मैंने कुकर को चढ़ा लिया है। इसे ऑन कर लेते हैं और कुकर को गर्म होने देते हैं। कुकर गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल गरम हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता। साथ 4 करी पत्ता डाल दिए हैं। अब इसमें मैरिनेटिंग किया हुआ मटन ऐड करेंगे। सारे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 टमाटो ऐड करेंगे और साथ ही इसमें मैंने गरी और पुस्ता का पेस्ट बना के रखा था, उसे भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे लिड से कवर कर देंगे और 10 to 15 minutes के लिए इसे पकने देंगे। टू 15 minutes हो गए हैं। कुकर भी ठंडा हो चुका है। अब इसे ओपन कर लेते हैं लिड को। ये अच्छे से हो गया है। देख लेते हैं मटन हमारा अच्छे से पक गया है या नहीं। ये हो गया है। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए मटन भी भुना गया है। अब इसे ऑफ कर लेते हैं फ्लेम को।
यहाँ पे मैंने 1 kg बासमती राइस लिया है। इसे मैंने पहले ही 1 आवर के लिए सोक करने के लिए रख दिया था, अच्छे से वॉश करके। आइए अब इसे हम पका लेते हैं। मैंने इंडक्शन पे एक पतीले को चढ़ा लिया है। अब इसे इंडक्शन को ऑन कर लेते हैं और पानी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। साथ ही में पानी में ऐड करेंगे सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑयल, रिफाइन ऑयल, एंड 1 टेबल स्पून सॉल्ट। एज पर टेस्ट आप सॉल्ट का क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और टेस्ट करके डाल सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता, लौंग, और घर का बना हुआ हैदराबादी गरम मसाला 1 पिंच, और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। देखते पानी बॉईल हुआ है या नहीं। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसमें हम बासमती राइस को ऐड करेंगे। तरीके से सारे ऐड कर लें। चावल अच्छे से बॉईल हो चुका है, देख सकते हैं कितना लंबा लंबा हुआ। अब इसे पसा लेंगे। मैंने एक पतीले पे 1/2 कप पानी डाला है। इस पर डालूंगी 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, अब इसमें हम ऐड करेंगे कुक किया हुआ बासमती राइस फॉर दम। इसे मैं 2 लेयर पे करूंगी। अब इस पे ऐड करेंगे मटन भुना हुआ। चारों तरफ से अच्छे से इसमें ऐड कर लेंगे। और फिर इसमें मैं अपना 2nd लेयर ऐड करूंगी बासमती राइस का, क्योंकि राइस कितने लंबे लंबे हुए हैं, एकदम खिले खिले हैं। अच्छे से पूरा कवर कर लेंगे। मैंने फूड कलर यूज किया है, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं और या तो ऐड कर सकते हैं। इससे अब इस पे मैं ऐड करूंगी फाइनल लेयर बासमती राइस का। अब इस पे मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर फॉर डेकोरेशन। साथ ही इसमें ऐड करेंगे फ्राइड अनियन। सो फाइनल लेयर तैयार हो गया है और ये डेकोरेट भी हो गया है। अब इसे दम कर लेंगे। मैं इंडक्शन पे ही ऑन करूंगी। इसे दम करने के लिए एक कॉटन कपड़े को मैंने भिगो लिया था और इसे लिड से कवर कर देंगे। 15 मिनट्स के लिए इसे दम होने देंगे। 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसे देख लेते हैं, देखिए कितने खिले खिला बना है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटा। अब इसे सर्व कर लेते हैं, अच्छे से निकालते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट है ये, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे।
देखिए फ्रेंड्स, बिरयानी बनकर फिर रेडी है, मटन की बिरयानी। सो मेरी इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।